माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का शुभारंभ कर दिया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी जो भारत के बिहार में स्थित थी। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी की किसी बीमारी से तबीयत खराब थी, तो उन्होंने जो मुसलमान हकीम थे उनसे सबसे इलाज करवाया, मगर वो उससे ठीक नहीं हो पाए। तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के जो गुरु थे राहुल भद्राचार्य जी, उनको बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुमसे इलाज तो कराऊंगा, मतलब तुम्हारी दी हुई कोई दवाई गोली मैं नहीं खाऊंगा। तो राहुल भद्राचार्य जी ने बख्तियार खिलजी को एक किताब दी, कुरान, और उसको कहा कि आप रेगुलर इसके 2-3 पेज 4 पेज जैसे 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 आपको पढ़ना है वैसे पढ़ना। तो राहुल भद्राचार्य जी ने जो कुरान की जो किताब दी थी उसको पढ़ते धीरे धीरे बख्तियार खिलजी की तबीयत में सुधार होने लगा और वो ठीक हो गया। तो उसने राहुल भद्राचार्य जी से पता करा कि मतलब वो कैसे कुरान पढ़ने से कैसे ठीक हो गए। तो उसने कहा कि उन्होंने जो कुरान के पन्ने थे उन पर दवाई लगा दी थी और जैसे जैसे वो पढ़ता गया, तो हमको पता है कि हम किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो हम अपने टंग से थूक लगा के पेजों को पलटते हैं, तो ऐसे उन्होंने दवाई लगाई दी थी जिससे वो पढ़ते रहे और ठीक हो गए। तो बख्तियार खिलजी ने सोचा कि भारत में ऐसा ज्ञान कैसे हो सकता, मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे हो सकता। तो उसने 1193 AD में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको पूर्णतः जला दिया। कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 90,00,000 से ज़्यादा किताबें थी। उनको जलने में किताबों को जलने में लगभग 3 महीने तक किताबें जलती रही, ऐसा कहा जाता है अपने इतिहास में। ऐसा कहा जाता है कि 3 महीने तक जलती रही। और जो यूनिवर्सिटी थी, जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी, वो 3 मंजिला लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। आज ही के दिन 19 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का शुभारंभ किया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।